तमाम चाहने वालों को एक दफ़ा फिर अली चाहत की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम आए हैं खपलु ठोक सिकर। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे खपलु ठोक सिकर और ठोक सिकर के जो नज़ारे जो हम कर सकें, पूरा जो नज़ारा है वो आप तक हम पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ जुड़िए रहना। ऊपर जो ठोक सिकर का जो व्यू है बहुत ही मज़े का व्यू है। मैंने भी सुना है लेकिन मैं गया कभी नहीं हूँ। तो मेरे जितने भी जो दोस्त थे सब ने तारीफ़ों के जो पुल बांधे थे कि यहाँ पे बहुत मज़ा है। आप खपलू भी खपलू से हुड़ से हर सलिंग हर जगह यहाँ के ये थोड़ा ऊंचाई पे है तो यहाँ से हर नीचे जो गांव वगैरह वो आप आसानी से देख सकते हैं। और पहाड़ पहाड़ भी आप लोग देख सकेंगे। अरे रब, तो यहाँ का रास्ता थोड़ा सा पहुँचता तो यहाँ पे ये बाइक है, फिर ऊपर 10-15 मिनट का रास्ता है। हमारा बाइक में आज हम आए थे बाइक पर तो बाइक में पेट्रोल ख़त्म हुआ, तो पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से हम पहले ही 10-15 मिनट चल चुके हैं। तो इस वजह से हमें चलने में थोड़ा दुश्वारी हो रहा है। देखें यहाँ बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है, तो हवा चलने के वजह से मुझे मास्क पहनना पड़ा क्योंकि यहाँ का जो एयर प्रेशर है बहुत तेज़ है। तो हम यहाँ जा रहे, देखें कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये गाँव है, हिप्पी है मेरे ख्याल से, हिप्पी। रास्ता देखें, बहुत ही मज़े का व्यू है यहाँ से। ये और ये मेरे दोस्त असलम आ रहे। वो जो दिखाई दे रहा है ये सारा हिप्पी है। और ये देखें रास्ता, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। थकावट थोड़ा सा है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे, पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। वो देखें ठोक सिकर, ठोक सिकर के नाम से ये जाना जाता है। यो चाम साल पुराना इन मामू हैं दू ठोक सिकर जी जगो नी ए जी जगो आई आपी ने आपोनी माता फो नी गोपाल सिख बोती आबादी इन सुदे सिख बोती। हां उसके बाद या अभी कभी नहीं भी हम शाफ है ना जो इस्लाम जो दीदी जंग मस्जिद तो बने दिया फिर ताफी नमाज कर दे और चाचा न्यून जाची ताफी। अच्छा अच्छा जी नहीं जो ताफा ये सारे ही सोच रहे हैं ना ना एक दिन। अच्छा अच्छा वाला दफा ये नहीं आप वाला चोट पे नहीं जुला ना हम चोट पे माशाल्लाह देना तो जमी भी से ताऊन बजे गेनी मंदिर पो बिल्कुल क्या मरामत देख फिर बिल्कुल। अच्छा दी लंबम कुंजुन दुनिया माशाल्लाह वाना मामू यावर बाशिंदा ही नंग और मामू ही ना पो यार ते टोक सिखर जिस तरह बताया कि अमीर कबीर भी बुनियादी आपकी मस्जिद पोई साथ मामू का घर है। तो बहुत शुक्रिया मामू बाशिश तंग मामू या
तो रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है लेकिन एंजॉय बहुत है, मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। तो मैं ऊपर जाके आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के जो लोग हैं वो इंजीनियर से कम नहीं, देखें कितना प्यारा सीढ़ी बनाया हुआ है, प्योर नेचुरल सीढ़ी है ये। तो देखें इतने बड़े बड़े ये पत्थर, ये तकरीबन हम जो शहरी लोग हैं कम से कम 10 लोग ये नहीं उठा सकता, लेकिन यहाँ के लोग इतना ताकतवर होते हैं कि एक ही बंदा जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। देखिए एक ही बंदे का हाथ का कमाल है ये। तो तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं, बहुत ही मज़े का व्यू है यहाँ से। वाओ सुभान अल्लाह, मेरे रब का कमाल है ये सब। देखें जितनी तारीफ करें कम उस रब ज़ात की, कितना हसीन कितना प्यारा जगह यार, माशाल्लाह। वाओ अमेजिंग, देखें जो ऊपर मस्जिद है वो अमीर कबीर सईद अली हमदानी ने बुनियाद रखा है, तो अभी हम इसी को देखने जा रहे हैं। तकरीबन ये 1400-1500 साल पुराना मस्जिद है। तो लेट्स गो, ये साथ ही कंटीन है समझे, रेस्ट हाउस। तो यहाँ पे आप चाय वगैरह और खाना भी यहाँ पे दस्तियाब है, मिल सकता है, और कैंटीन ही है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे पहले ऊपर जाके। Oh,